For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. कहते हैं कभी ना कभी इतिहास अपने आप को दोहराता ही है। हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है जो अपने आप को कुछ वक्त के बाद उसी जगह पाता है जहां वो कुछ वक्त पहले था। और इसी की वजह से आप सभी को देखने को मिल सकता है एक और ऐसा ही ट्रैक जहां नामकरण की कहानी अपने आप को दोहराती हुई नजर आएगी आप सभी को। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता देते हैं कि कहानी में जूही की ये ही बेटी आपको कहानी की अगली अपनी बनती हुई नजर आने वाली है, जिसके बारे में देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि कैसे 15 साल बाद लौटी ये अवनी कहानी में अपनी जगह बनाती हुई नजर आएगी। और तो और, आपको ये भी देखने को मिलेगा कि शो में एक बार फिर से इतिहास अपने आप को दोहराता हुआ नजर आएगा। और ये बात हम आपको इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि नील और जूही की ये बेटी दरअसल नाजायज ही कही जाएगी, जिसके बाद एक बार फिर से नील ले लेगा आशीष की जगह तो वहीं जूही ले लेगी आयशा की जगह। और इसके बाद अवनी जो होगी वो हो जाएगी नीला माँ, जिसके बाद अवनी नहीं चाहती है कि एक और बच्ची अवनी की जिंदगी जिए। इसके बाद ये देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या अवनी एक और अवनी को बनते हुए रोक देगी या फिर कहानी में कोई और बड़े चेंजेस आएंगे जो इस बार इस बच्चे वाले ट्रैक को एक नया ही मोड़ दे देंगे। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल टॉप न्यूज़ जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज़ से आस्था की रिपोर्ट। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News.